ऑन माई स्क्रीन एक प्रॉब्लम गिवन है, यहाँ पर कहा है इफ x इक्वल्स टू जाई इज अ डबल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पर कहा है f डबल प्राइम x इज कंटिन्यूस इन नेबरहुड ऑफ जाई। यहाँ पर एक इटरेटिव स्कीम है जाई को डिटरमिन करने के लिए, जो कि गिवन है एक्स एन प्लस वन, ये इटरेटिव स्कीम है एक्स एन माइनस टू टाइम्स एफ एक्स एन अपॉन एफ प्राइम एक्स एन। यहाँ पर एक्स्ट्रा आप टू समझ सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से अगर जो होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम एक्स एन। ये जो इटरेटिव स्कीम है ये न्यूटन रैप्सन मेथड से हम इसको जानते हैं, न्यूटन रैप्सन टेक्निक फार्मूला इनवर्ट से हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है एक्स इक्वल्स टू जाई इज अ डबल रूट। डबल रूट से मीनिंग है कि एफ एट जाई इक्वल्स टू ज़ीरो, एफ प्राइम एट जाई इक्वल्स टू ज़ीरो और एफ डबल प्राइम जाई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि सारे प्रीवियस जो हैं वो ज़ीरो होंगे बट डबल प्राइम जाई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये डबल रूट का मीनिंग है। अब आपसे पूछा गया है इटरेटिव स्कीम हैज़ द ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर जो होते हैं वो क्या होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू जाई। जाई की जो मल्टीप्लिसिटी है यहाँ पर टू है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा गया है डबल रूट, यानी कि एफ डबल प्राइम जाई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये क्या हो गया है ऑर्डर जो है इसका वो क्या है टू, यानी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट जो कि m से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 2 है, और 2 जो है ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका जो ऑर्डर है वो लीनियर होगा, और लीनियर ऑर्डर को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि अगर हमें ऑर्डर निकालना है इटरेटिव स्कीम किसमें न्यूटन रैप्सन मेथड में, तो हमें क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट जिसको हम m से डिनोट करते हैं, अगर ये m इक्वल्स टू वन आता है तो क्वाड्रेटिक इसका ऑर्डर होगा, और अगर m जो है ग्रेटर देन वन आता है तो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वो लीनियर होगा। तो दो ही ऑर्डर पाए जाते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड में, क्या तो क्वाड्रेटिक या लीनियर, इस गिवन प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन बी राइट है।